हे नंद महाराज की पत्नी यशोदा, कृष्ण को लेकर चले जाओ. क्यों? क्योंकि ये कृष्ण हम सबको बहुत परेशान करता है. वत्सान मुंचति क्वचित समय क्रोध संजात हास, असमय में हमारे घर पर आ जाता है, बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं, हमारे लिए दूध नहीं बचता है. बछड़ों को पकड़ने जाते हैं तो घर पे घुस जाता है, माखन की मटकी को उतार देता है, यदि मटकी ऊपर बंधी हो तो उसे फोड़ देता है. और जिस दिन हम हमारे घर पर माखन नहीं रखती हैं तो उस दिन तो ये श्राप देता है, इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है. जिस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं हो तो इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 पेड़ी भिखारी बनकर रास्ते में भीख मांगे, मेरे लिए इस घर पे भोजन नहीं. तो इस प्रकार से कृष्ण गोपियों के घर पर जाकर माखन चुराते थे. यशोदा मैया मन ही मन में सोचने लगे कि इस प्रकार से कृष्ण हमारे घर के माखन को न खाकर दूसरों के घर के माखन को क्यों खाता है. एक माँ का स्वभाव था और मन ही मन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के घर पर कोई माखन की कमी नहीं थी. कहते हैं नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, जो पूरे ब्रज के राजा थे. कृष्ण का एक नाम है बजेंद्र नंदन. कृष्ण का नाम बजेंद्र नंदन इसलिए हुआ क्योंकि ब्रज इंद्र नंदन, ये 3 शब्द है इस नाम में. जो ब्रज के इंद्र है, इंद्र का अर्थ होता है राजा, तो ब्रज के इंद्र, ब्रज के राजा के नंदन पुत्र है कृष्ण. तो ब्रज के राजा थे नंद बाबा, और नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, ऐसे ब्रजराज के ये पुत्र थे. तो 9 लाख गाय और उनका दूध और उनका मक्खन, पूरा घर मक्खन से भरा हुआ था. लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपने घर के माखन को त्याग कर दूसरों के घर पर चोरी करके खाते थे. यशोदा मैया ने सोचा, थोड़ा बढ़ाओ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम. यशोदा ने सोचा आखिर कारण क्या है. बहुत बहुत यशोदा ने विचार किया और तब यशोदा को पता चला कि कारण ये है कि हमारे घर पर उत्तम उत्तम गाय के दूध का माखन बनता है, लेकिन आज तक उस दही से माखन मैंने नहीं बनाया. क्योंकि नंद बाबा के घर पर दास दासियों की कमी नहीं थी, उनके घर पर नौकर जाकर ये सब माखन और सब बनाते थे. तब यशोदा ने सोचा कृष्ण मेरे घर का माखन इसलिए नहीं खाता है क्योंकि मैं मेरे हाथों से माखन नहीं बनाती हूँ. अब ये दास दासी किस भाव में है, किस वृत्ति से माखन बनाते हो, क्या भरोसा. इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा गृह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी. एकदा दिवाली के दिन उस पावन पवित्र अवसर पर यशोदा मैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे जगकर पूर्व दिन में एक मटके में दूध में दही डालकर रखा था और वह दही बिल्कुल जम चुका था, और यशोदा मैया स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी, यशोदा मैया स्वयं उस दही से माखन बनाने के लिए बैठी.
स्वयं शब्द महत्वपूर्ण है भक्तों। जीवन में पहली बार यशोदा मैया अपने हाथों से दही से माखन बनाने जा रही है। आज तक यशोदा मैया ने अपने हाथों से नहीं बनाया था, आज यशोदा स्वयं अपने हाथों से बना रही हैं। यह सोचकर कि दूसरों के हाथों से बनाया हुआ या मेरा लाला या कृष्ण खाता नहीं है, इसलिए मैं मेरे हाथों से बनाऊंगी। भक्तों, ये सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। यदि हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण हमारे घर पर आए और हमारे द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करें, तो हम सबको चाहिए कि हम हमारे हाथों से बड़े भाव से भगवान के लिए भोग तैयार करें। क्योंकि दास दासियों के द्वारा बनाया हुआ भोग भोजन ये भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान द्रव्य के भूखे नहीं हैं। कृष्ण जो हैं कोई वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव ग्रही जनार्दन, भगवान जो हैं भाव को ग्रहण करते हैं। इस संसार में आप कितने भी अच्छे छप्पन भोग कोई दुकान से होटल से लाकर भगवान को चढ़ा दो, खाने की बात तो दूर ही, भगवान देखेंगे भी नहीं। क्योंकि जिस किसी ने भी ये बनाया है, न जाने किस भाव से बनाया। हम देखते हैं हमारे घर पर हमारी माँ और हमारी पत्नी भी भोजन बनाती हैं, और होटल में वो वेटर इत्यादि कुक जो होते हैं वो भी भोजन बनाते हैं। घर पर भी भोजन बनता है, होटल में भी भोजन बनता है, लेकिन उन दोनों भोजन में जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए, घर पर भी माँ और पत्नी भोजन परोसती हैं और होटल में भी वो वेटर भोजन परोसते हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या है? उस होटल में जो भोजन बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, तो भोजन बनाने वाली की वृत्ति क्या है कि बस ये पिज्जा बना रहा हूं, इस पिज्जा का 250 रुपया मिलेगा, 200 रुपया कोष्ट है, 150 रुपया जेब में आएगा। उस होटल में भोजन बनाने के पीछे भाव जो है वो पैसे कमाने का भाव है, और उसमें भी बनाने वाले की जो वृत्ति है काम वासना से अनेकों प्रकार से युक्त होती है, तो बनाने वाले की जो वृत्ति है उस भोजन में आ जाती है। और दूसरी ओर जब हमारे घर पर भोजन बनता है, तो एक माँ या एक पत्नी जब अपने पति के लिए या अपने पुत्र के लिए भोजन बनाती है, तो बस एक ही भाव होता है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है कि ये भोजन हमारे पति खाएंगे, बल बढ़ेगा, बच्चे खाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो भक्तों, भाव भाव में अंतर है। तो उसी प्रकार भगवान जो हैं भाव ग्रहण करते हैं। हम जब भगवान को कुछ वस्तु अर्पण करते हैं तो वो भाव युक्त होनी चाहिए। भगवान कहते हैं सोना चांदी हीरा जवेरात न दे सको तो कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे एक पत्र दे दीजिए, एक पुष्प एक फूल दे दीजिए, और ये भी नहीं दे सकते हैं तो एक गिलास पानी दे दीजिए, जल दे दीजिए, परंतु आप जो दे रहे हो योमे भक्त्या प्रयच्छति, भाव से भक्ति से दीजिए। हम भगवान को कितना भी दे दे लेकिन भाव नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, भाव चाहिए। भक्तों, हमारे जीवन में ये भाव ही बहुत बड़ी वस्तु है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम मंदिर में रहते हैं, हम बहुत बड़े हैं, परंतु मंदिरों में रहकर भी यदि भाव गलत है तो मंदिर में रहने से क्या फायदा है? श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्था बनाई, इस इस्कॉन संस्था का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्णा कॉन्शियसनेस, और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। ये जो इस्कॉन का नाम क्या है? कृष्ण भावना मृत। कृष्ण की जो भावना होती है वो प्रदान करने वाली। तो भक्तों, विचार कीजिए ये भावना कहाँ होती है? ये भावना जो है हमारे हृदय में होती है, न कि चार दीवारों के अंदर होती है। जिसके हृदय में ये कृष्ण को प्रदान करने की भावना है, कृष्ण के प्रेम की भावना है, वो व्यक्ति चलता फिरता एक मंदिर है, चलता फिरता एक इस्कॉन है।
तो भक्तों हमारे जीवन में कार्य को न बदलते हुए भाव को बदलना चाहिए, भावना। तो भगवान श्री कृष्ण को भाव से बड़े प्रेम से प्रदान करना चाहिए। यशोदा मैया ने देखा कि आज तक दास दासियां जो भोजन बना रही थी, माखन बना रही थी, उसमें कुछ भाव नहीं था। इसलिए दिवाली के दिन, जो दिवाली आने वाली है, दिवाली के दिन यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए दही से माखन बनाने जा रहे और बड़े भाव से भगवान के लिए समय निकाली है। इस संसार में हम लोग अपने आप को भक्त कहते हैं, परंतु भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के लिए समय निकाले। यशोदा मैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगी हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अन्य समस्त कर्मांतर नियुक्त आसु अन्य अन्य कार्यों में अपने दास दासियों को लगा दिया और स्वयं निर्ममंत स्वयं दही को मथने के लिए बैठ गई। स्पेशल कृष्ण के लिए ही कार्य करने जा रही भक्तों, इसे कहते हैं भक्ति। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान को समय देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में जाते जाते भगवान के नाम का जाप करते हैं, ये गलत नहीं है। हालांकि अन्य कुछ प्रजल्प करने से अच्छा है भगवान का नाम जपे, परंतु ये शुद्ध और पूर्ण भक्ति नहीं है, है ना। शुद्ध और पूर्ण भक्ति तो उसे कहा जाएगा कि हमारे जीवन का एक घंटा या दो घंटा स्पेशल कृष्ण के लिए ही निकाले। ये तो और कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के साथ साथ चलो भक्ति भी कर दें, ये भी ठीक है, लेकिन ये उत्तम नहीं है। उत्तम तो यह है कृष्ण के लिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे तो भगवान के नाम का जाप करें केवल कृष्ण के लिए। ऐसा नहीं कि हरि नाम जपते हुए और भी कुछ करे, भोजन भी करे, फोन में बात भी करे, दो तीन बिजनेस भी कर डाले, ये उत्तम नहीं है। यशोदा मैया अन्य समस्त कार्यों को छोड़कर कर्मांतरों नियुक्त आसु समस्त लोगों को अन्य अन्य कार्यों में नियुक्त करके निर्ममंत स्वयं कृष्ण के लिए दही मथने जा रही, स्वयं दधी। और बहुत सुंदर, जब यशोदा मैया कृष्ण के लिए दही मथ रही है, देखिए यशोदा मैया कार्य कर रही है कृष्ण के लिए और साथ ही साथ क्या कर रही है, यानी यानी ही गीतानी तदबाल चरितानी च दधी मंथन निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। जब कृष्ण के लिए माखन बना रही है तो यानी यानी ही गीता नहीं, भगवान श्री कृष्ण के लीला के बहुत सुंदर भजन गा रही है, भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन कर रही है। अब देखिए, वे दोनों हाथों से कृष्ण के लिए काम कर रही है और अपनी वाणी से जीवा से कृष्ण का भजन गा रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धन्य है वो वातावरण, सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, कृष्ण के लिए कार्य किया जा रहा है और कृष्ण के लिए कार्य करते करते भगवान के नाम का कीर्तन किया जा रहा है। और उस समय जब कीर्तन हो रहा था तब वो जो मथनी थी, है ना, एक मटके में वो मंथानी रखकर जब उसको चलाया जा रहा था तो घर घर आवाज आ रहा था। तो ये मंथानी का आवाज मृदंग का काम कर रहा था। और उस समय यशोदा मैया के हाथ में जो चूड़ी थी, जब वो चूड़ी से हिलाती थी तो चूड़ी करताल का काम कर रही थी। तो मृदंग बज रहा था, करताल बज रही थी और साथ ही साथ यशोदा मैया गा रही थी। भक्तों यहाँ पर आचार्यों ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया है। इस जगत में हम सबको काम तो करना है, है ना, कार्य किए बिना कोई नहीं रह सकता। नहीं कच्छिक क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकित, एक सेकेंड भी हम लोग कर्म किए बिना नहीं रह सकते, कर्म करने हैं। परंतु यदि हमारे जीवन के कर्म करते करते भगवान का नाम लेते रहे, भक्ति करते रहे, तो उसमें तीन बेनिफिट हमको मिलेंगे। कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से तीन बेनिफिट। प्रथम बेनिफिट, इस संसार में हम जब कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का बंधन हमें लगता है, है ना। आज हम कोई भी कार्य करें तो उस कार्य का फल चाहे आज मिले या कल मिले या एक साल के बाद या एक जन्म के बाद, परंतु कर्म का फल अवश्य मिलता है।
संतों ने कहावत कही है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म का फल मिलता है, तो समस्त कार्य की, कर्म की प्रतिक्रिया होती है। अच्छा करेंगे, अच्छा कर्म करें तो अच्छा फल, बुरा कर्म करें तो बुरा फल, परंतु कर्म का फल होता है। तो यदि हम आज कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं, मैं तो कर्म करता हूं, मुझे तो फल नहीं दिखता है। परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसके, जिसको फल मिलने में बहुत देरी लग जाती। जैसे आज आप यदि सिगरेट पियो, तंबाकू खाओ, तो उसका असर आज ही नहीं होगा, कुछ समय के बाद कैंसर होगा, है ना। आप अच्छा दूषित जल को ग्रहण करो तो हो सकता है उसका आज फल ना मिले, परंतु एक दो महीने के बाद आपको पी लिया जॉन्डिस हो जाए। लेकिन आप अभी ट्रेन से जाओगे, किसी को थप्पड़ मारो, तुरंत ही उसका फल मिल जाएगा, है ना। कुछ कर्म ऐसे हैं, किसी को थप्पड़ मारो सीधा आपको मार देंगे। तो जो दुर्बल व्यक्ति होगा तो कहेगा, आज नहीं तू मुझे कल मिल, कल मैं तुझे दिखा दूंगा। वो कर्म का फल कल मिलेगा, आज मिले, कल मिले, 10 जन्म के बाद मिले, कर्म का फल निश्चित भुगतना होता है। लेकिन यदि हम कर्म करें और कर्म करते समय भगवान का नाम लेते रहे, तो उस कर्म का फल हमें कभी भुगतना नहीं पड़ता है, उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी बात, ये प्रथम लाभ हुआ। दूसरा लाभ, आज हम जो कर्म कर रहे हैं ये पूर्व के किए गए कर्म का फल है। इसका अर्थ है हम ऑलरेडी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, ऑलरेडी हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के कर्म बंधन लगे हुए हैं, और ये कर्म बंधन ही हम सबको दुख दे रहे हैं। इस संसार में कभी कभी कुछ वस्तु हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्म के बंधन इतने स्ट्रांग हैं, इतने मजबूत हैं कि वो हमें करा कर ही रहते हैं। तो इस प्रकार कर्म के बंधन उस गाय के गले में बांधी हुई रस्सी के समान, गाय के गले में एक रस्सी बांधी है, 3 मीटर की है, और वह रस्सी किसी पेड़ के साथ बांध दी। गाय में यह शक्ति है, सामर्थ्य है कि वह 3 मीटर क्या, 3 किलोमीटर, 300 किलोमीटर भी चलकर चली जाए। गाय में यह शक्ति है कि वह 300 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन वह कर्म की रस्सी उसके गले में बांधी है, उसके अंदर सामर्थ्य है 300 किलोमीटर चलने का, लेकिन वह 3 मीटर ही चल सकती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोगों में सामर्थ्य है कि वे करोड़ों कमा सके, लेकिन कर्म की रस्सी क्योंकि हमारे गले में बंधी हुई है, सामर्थ्य शक्ति होने के बाद भी हम उतना ही कमाएंगे जितनी कर्म की रस्सी गले में बांधी हुई। हम सब लोग कर्म की रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन यदि हम भगवान का नाम कर्म करते हुए लेते हैं तो हमारे ऊपर जो कर्म बंधन लगे हैं वह कर्म बंधन जलकर भस्म हो जाते हैं, वह रस्सी जो है गले से निकल जाती है और हम पूर्ण रूप से उस कर्म बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत मेहनत करने पर भी ज्यादा फल प्राप्त नहीं होता है तो ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं। चाहे ज्योतिष के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ, ब्रह्मा के पास चले जाओ या इंद्र तक के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मा इंद्र तक सबको अपने अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। सब लोग कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, तो हम सबको हमारे कर्म भुगतने हैं। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, लेकिन भगवत कथा, भगवान का नाम लेने से हमारे सारे कर्म बंधन जलकर भस्म हो जाते हैं। और भक्तों, ये पूर्व के कर्म बंधन ने हम सबको बांध कर रखा है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति को जेल में बांध कर रखा जाता है, है ना। सामर्थ्य होने पर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग कारागार रूपी कर्म बंधन में बंधे हैं। भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यावत कारा गृह गृहम
हमारे हम लोग तब तक इस कारागार रूपी कर्म बंधन में बंधे हैं यावत जब तक भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए भक्तों कर्म करने की छूट है, कर्म सबको करने हैं। जो लोग कर्म नहीं करते हैं भगवान उसे बहुत नाराज होते हैं। भगवान चाहते हैं सब लोग कर्म करें, परंतु कर्म करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से क्या होगा, पूर्व के जो कर्म बंधन है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का बंधन हमको भविष्य में नहीं लगेगा, और तीसरा लाभ क्या है, कर्म करते हुए भगवान का नाम लेने से हम जो कर्म कर रहे हैं वह कर्म आसानी से संपन्न हो जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कार्य करने में इतना मेहनत और इतना परिश्रम हुआ, और इतने आसानी से संपन्न हो जाने पर भगवान का नाम लेने से मृत्यु के बाद भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में कर्म करें, कार्य करें, परिश्रम करें, परंतु इसके साथ साथ भगवान को जोड़े। आज यशोदा मैया जब कृष्ण के लिए माखन बनाने जा रही हैं तब साथ ही साथ कृष्ण का नाम ले रही हैं, गा रही हैं, मृदंग करताल बज रहा है, बहुत सुंदर कर्म हो रहा है। और उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा ने अपने बालों में मालती के फूल डाले थे। आज भी कुछ लोग अपने बालों में बेणी डालते हैं, लेकिन जब यशोदा मैया कृष्ण के लिए ये सेवा इत्यादि कर रही थी उस समय यशोदा मैया के मस्तक के सारे फूल ऊपर से नीचे गिर गए, बालों इत्यादि बिखर गए, फूल गिर गए। तब आचार्यों ने बहुत सुंदर बात बताई कि आध्यात्मिक जगत में फूल भी सोचते हैं, हैं? यशोदा मैया के बालों में रहे हुए फूलों ने सोचा कि आज देवी यशोदा मैया कृष्ण के लिए कार्य कर रही है। जहां जगत के लोग अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं, लेकिन धन्य है आज यशोदा कृष्ण के लिए कार्य कर रही, कृष्ण के लिए कार्य कर रही हैं, और साथ ही साथ कृष्ण का नाम गा रही हैं, कृष्ण की लीला को गा रही हैं। इस जगत में जो कृष्ण के लिए कार्य करता है और कृष्ण के नाम का संकीर्तन करता है उसके मस्तक में नहीं उनके चरणों में बैठना चाहिए, यह सोचकर समस्त फूल यशोदा के चरणों में, उस व्यक्ति के शरण को ग्रहण कर लेना चाहिए जिसका जीवन ही कृष्ण के लिए हो। और जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण के लिए दे दिया है, अपना जीवन कृष्ण के चरणों में सौंप दिया है, उस संसार में लोगों को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करें। ऐसे लोगों की शरण में जाने से निश्चित हमारा उद्धार हो जाता है। तो ये समस्त फूल कृष्ण के यशोदा के चरणों में गिरे, और उस प्रकार यशोदा माखन बना रही थी। संक्षिप्त में इतना ही सुनिए, भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, वहां से जगकर दौड़कर यशोदा मैया के पास आ गए। यशोदा मैया के पास आए तो वहां पर जो मंथानी चल रही थी उसके ऊपर कृष्ण ने अपना हाथ दे दिया। आचार्यों ने बहुत सुंदर बात बताई कि इस जगत में जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे और कार्य करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, जैसे कृष्ण वहां सो रहे थे और दौड़कर यशोदा के पास आ गए, वैसे इस ब्रह्मांड को चलाने में हमारे भगवान थोड़े से बिजी रहते हैं, थोड़े से एंगेज रहते हैं, तो हो सकता है हम हमारे ऊपर ध्यान न दे पाए, क्योंकि इतनी ब्रह्मा जी की महीन सृष्टि में करोड़ों करोड़ों जीव रहते हैं, भगवान किन लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि रखेंगे। परंतु इस करोड़ों की सृष्टि में यदि कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करे और भगवान के नाम का संकीर्तन करे, भगवान अपना सारा काम छोड़कर उस भक्त के पास आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर कृष्ण अपना सोना छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यशोदा मैया के पास आ गए और मंथानी के ऊपर अपना हाथ रख दिया, और जो दही मथा जा रहा था वो दही मथना बंद हो गया, स्टॉप। मानो कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मैया ये मंथन क्यों कर रही हो, है? इस संसार में मंथन का दूसरा अर्थ होता है शास्त्रों का मंथन। अनेकों प्रकार के यज्ञ, हवन, बहुत प्रकार के मंथन होते हैं।
भगवान कहना चाहते हैं, मैया जगत के लोग मंथन करते हैं, होम हवन यज्ञ साधना ये सब करते हैं, क्यों? मेरी प्राप्ति करने के लिए। मेरी प्राप्ति करने के लिए लोग शास्त्र का मंथन करते हैं, हरि नाम का, यज्ञ का, अनेकों प्रकार के साधना का मंथन करते हैं, और जिनके लिए लोग मंथन करते हैं वो कृष्ण तो आज तेरे सामने खड़ा है। अब ये तुझे मंथन करने की जरूरत नहीं, भगवान ने मंथानी को रोक लिया, मैया अब मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे गोद में बिठा ले। यशोदा आंख बंद करके मंथन कर रही थी, आंखें खुली तो कृष्ण सामने खड़े थे। काम स्तन्य काम, भगवान श्री कृष्ण को यशोदा के स्तन पीने की इच्छा हुई। सुखदेव गोस्वामी वहां कहते हैं ताम स्तन्य काम, कृष्ण को इच्छा हुई कि मैं यशोदा के स्तन का दूध पीऊं, और यशोदा समझ गई, कृष्ण को गोद में बिठाया और अपने दिव्य स्तन के दूध का कृष्ण को पान कराया। भगवान श्री कृष्ण यशोदा के स्तन का पान कर रहे हैं, और जैसे ही यशोदा के स्तन के दूध का पान कर रहे हैं तो कृष्ण को वह दूध पीने का लोभ और बढ़ रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जितना दूध पीते जा रहे हैं उतना लोभ और बढ़ते जा रहा है। तो कृष्ण को दूध पीने की कामना उत्पन्न हुई, अब दूध पीने का लोभ उत्पन्न हुआ। परंतु उसी समय यशोदा मैया ने रसोई घर में किचन में चूल्हे के ऊपर दूध गर्म करने रखा था। अब आज तो गैस होता है तो दूध एक मिनट में गर्म हो जाता है, लेकिन गाँव में या पूर्व में चूल्हा होता था, लकड़े डालकर अग्नि जलाते थे तो दूध गर्म होने में समय लगता था। तो रसोई घर में पद्मगंधा नाम की गाय का दूध जल रहा था, उबल रहा था एक पात्र में। तो यशोदा मैया ये कार्य करने में भूल गई, लेकिन वह दूध उबल गया, दूध धीरे धीरे गर्म हो गया। और आप सब जानते हैं ना, जब दूध बहुत गर्म होता है तो उभरा ही जाए, उफान मार के गिर जाता है। तो आचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वह दूध भी सोचने लगा, अब भगवान के धाम में दूध भी सोचता है। खैर इस जगत में तो मनुष्य भी नहीं सोचते हैं, परंतु भगवान के धाम में दूध भी सोचता है। दूध ने क्या सोचा? दूध ने सोचा कि मैं एक घंटे से तपस्या कर रहा हूं, तपस्या माने मैं जल रहा हूं इस अग्नि के ऊपर, यह सोचकर कि कुछ देर के बाद कृष्ण मेरा पान करेंगे, कृष्ण मेरी सेवा को ग्रहण करेंगे, कृष्ण मुझे पिएंगे, कृष्ण मुझे ग्रहण करेंगे, यह सोचकर मैं एक घंटे से इस चूल्हे के ऊपर उबल रहा हूं, जल रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। लेकिन अब तो कृष्ण अपनी माँ के हृदय का स्तन का दूध पी रहे हैं, अपने माँ के स्तन का दूध पीने वाले कृष्ण अब मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अब कृष्ण जब मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरा जीवन क्या काम का? जरू जाऊ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु भय। जान की नाथ भगवान श्री राम और कृष्ण के लिए यदि मेरा जीवन मेरा शरीर काम में नहीं आया तो यह जीवन क्या काम का? यह सोचकर कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं, कृष्ण मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, यह सोचकर उस दूध को बहुत कष्ट हुआ और आत्महत्या करने के लिए तपेली से बाहर गिर गया, तपेली से बाहर। और जैसे ही उफान मारा बाहर गिरा तो छम करके आवाज आई, यशोदा मैया ने सुना और याद आया मैंने वहां चूल्हे पर दूध रखा है, अब क्या करे, कृष्ण स्तन के दूध का पान कर रहे हैं। यशोदा ने एक सेकंड में सोच लिया कि स्तन का दूध तो कहीं बाहर जाने वाला नहीं है, लेकिन वो यदि उभर गया तो सारा समाप्त हो जाएगा। तो तुरंत कृष्ण को वहां से छुड़ाए, कृष्ण दूध पीना छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती छुड़ाए, और यशोदा मैया दौड़ कर गई और उस दूध को बचा लिया। वहां जाकर दूध को तो बचा लिया, लेकिन यहां कृष्ण को क्रोध आया। कृष्ण मन ही मन में सोचने लगे और क्रोध करने लगे कि बस मेरी इतनी वैल्यू, अब बताओ जहां मेरे धाम में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी मेरी सेवा करती हैं, वो ब्रह्मा बेचारा गाते थकता नहीं है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी मेरी सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं, मेरा दिव्य धाम छोड़कर अनेकों लोगों को छोड़कर जब मैं इसके घर पर आया और 50 रुपया लीटर दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई, बस अपनी कोई वैल्यू नहीं इस घर में। कृष्ण को क्रोध आया
और आज मैं मैया को दिखा दूंगा, मैं भी कोई साधारण बालक नहीं। उसी समय बाजू में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, कृष्ण ने उठाया, बोले सुबह से लेकर अब तक ये मेहनत इस मटके में कर रही है ना, सुबह से मेहनत कर रही है, मैं दिखा दूंगा। सुबह 3:30 बजे से जगकर मेहनत हो रही थी, 4-5 घंटे की मेहनत थी वो माखन बनाने के लिए। पत्थर उठाया और उस मटके के ऊपर जोर से पत्थर मारा, मटका फूट गया, सारा दूध दही निकल गया। लेकिन भक्तों एक बहुत सुंदर बात इस लीला में आपको बताऊं, भगवान की लीला इतनी दिव्य है। देवी कुंती इत्यादि तो कहते हैं प्रभु इस संसार में कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता है, आपको समझना मतलब बहुत मुश्किल। अब बताइए जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन काम क्रोध और लोभ के ऊपर वश रखना चाहिए। अर्जुन को गीता में कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े खड़े कहते हैं कि ये जो क्रोध है यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम येश क्रोध येश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम क्रोध लोभ यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। त्रिविध नरकस्य इदम, ये 3 चीज जो है काम क्रोध और लोभ नरक का सीधा द्वार है। तस्मात ये तत्त्वयम् त्यजति, इसलिए इसको त्यागना चाहिए। कृष्ण बार बार काम क्रोध और लोभ को त्यागने की बात कर रहे हैं और खुद आज खुद कृष्ण के जीवन में काम उत्पन्न हुआ, आपने सुना ना तामस्तन्य काम। अब दूसरों को उपदेश देते हैं काम को वश में रखना चाहिए और खुद को दूध पीने की कामना हुई, दूसरों को उपदेश देते हैं कभी लोभ नहीं करना चाहिए, आज खुद भगवान को लोभ उत्पन्न हुआ कि मैं दूध पीता रहूं, और दूसरे को उपदेश देते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए तो आज भगवान के अंदर स्वयं क्रोध उत्पन्न हुआ। भक्तों इसी को कहते हैं भगवान की अद्भुत लीला। इसी बात को समझना हम सब भक्तों का कर्तव्य है। हमारे मन में ये हो सकता है प्रश्न संशय कि भगवान ने इसे साधारण बालक की तरह लीला क्यों कर रहा है। भक्तों भगवान ने बार बार उपदेश दिया काम क्रोध और लोभ को वश में रखना चाहिए, लेकिन स्वयं भगवान के अंदर ये विकार उत्पन्न हुए क्यों? इसका एकमात्र कारण भगवान अपने भक्तों को खुश करना चाहते हैं, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, और अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु उनको क्रोध करना पड़े, काम और लोभ भी करना पड़े तो कर लेते हैं। भगवान की इन लीलाओं से भक्त का पोषण होता है। तो कृष्ण को क्रोध हुआ, मटका फूटा और वहां से दूध दही मक्खन सब बहने लगा, दूध नहीं दही मक्खन छाछ सब। तो भगवान श्री कृष्ण अब भाव में आकर मटका फोड़ तो दिया, लेकिन मटका बहुत बड़ा था और जब छाछ दही मक्खन निकलने लगा, अब भगवान सोचे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करे, मैया आएगी तो मुझे डांटेगी। अब कृष्ण वहां से भागने लगे तो अब कहाँ भागूं कहाँ जाऊं। आचार्यगण कहते हैं कि जो भगवान ने वामन अवतार धारण किया और 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, वही भगवान आज सोच रहे हैं कि अब कहाँ भागूं कहाँ जाऊं, और भाग भी रहे तो सोच रहे हैं कि अब मैं पर्दे के पीछे छिप जाऊंगा, यशोदा ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन कृष्ण को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो उस छाछ के ऊपर पांव रखकर भाग रहे हैं तो उसका निशान पड़ रहा है, यशोदा तुरंत ढूंढ लेगी। इतनी सुंदर बाल्य लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यशोदा मैया किसी कमरे में जाकर उखल के ऊपर चढ़कर छिप गए और यहाँ यशोदा आई, देखा तो मटका फूटा हुआ है। આપણે આખો દિવસ સવારમાં વહેલા ઓફિસમાં આવ્યા હોય અને 7 વાગ્યા સુધી એસોર્ટ કર્યું હોય અને પછી હાંજે ઉતાવળમાં કોકે ભેગું કરી દીધું અને જે સ્થિતિ થાય અને એમાં એ માલની ડિમાન્ડ હાલતી હોય ને કાલે દેખાડવાનું હોય અને સાંજે એસોર્ટ કરેલો માલ ભેગો થઈ ગયો અને પછી જે ક્રોધ થાય, લગભગ એવો જ ક્રોધ યશોદા મૈયાને થયો। યશોદા મૈયા કો ક્રોધ આયા કે क्योंकि पूर्व में अनेकों शिकायत यशोदा मैया को हो चुकी थी, लेकिन यशोदा मैया को विश्वास नहीं था कि कृष्ण कभी चोरी नहीं कर सकता।
लेकिन आज जब यशोदा मैया ने अपनी आंखों से देखा कि अपने घर का ही मटका फोड़ दिया, तब विश्वास हो गया कि निश्चित कृष्ण लोगों को परेशान करता ही होगा, तो आज मैं कृष्ण को दंड देकर ही रहूंगी। उसी समय यशोदा मैया हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते अब क्लियर दिख ही रहा था कि कृष्ण के चरण चिन्ह। जैसे ही वहां गई, पर्दे के पीछे देखा, उखल के ऊपर चढ़कर छिपे हुए थे। और कृष्ण को जैसे ही झपट मार के पकड़ने गई, कृष्ण उखल से कूद गए और कूद कर उस गोकुल की गलियों में दौड़ने लगे। कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे, यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं, और इस दिव्य दृश्य को देखकर सत्यव्रत मुनि के मुख से निकल गया, नमामेश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत् कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। यशोदा वियोलु यशोदा वियोलु खलादव मानम परामृष्टमत्यंत ततो द्रुत्य गोप्या। वियोलु खलादव मानम ततो द्रुत्य गोप्या। नमामीश्वरं सच्चिदानंद लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम्। भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला रचित सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर भजन की रचना की, जिसे दामोदर अष्टकम कहा जाता है। श्री शिवा सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जैसे भगवान नित्य है, वैसे ये दामोदर स्त्रोत भी नित्य है। जैसे भगवान नित्य है परंतु कभी कभी इस पृथ्वी पर आते हैं अपनी अपने माता पिता को माध्यम बनाकर, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में, वैसे ये दामोदर अष्टकम ये स्त्रोत भी नित्य है। ये तो सत्यव्रत मुनि को माध्यम बनाकर भगवान ने ये दामोदर स्त्रोत प्रकट किया, और यही दामोदर स्त्रोत नारद मुनि ने 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाया, और यही दामोदर स्त्रोत वेदव्यास जी ने अपने शास्त्र में लिपिबद्ध किया, जो पद्म पुराण में लिखा गया है। पद्म पुराण से इस दामोदर स्त्रोत को लिया गया है। तो कार्तिक महीने में सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में वर्णन करते हैं कि जैसे अनेकों प्रकार के व्रत होते हैं, उसी प्रकार एक व्रत है कार्तिक व्रत, जिसे वेदों में ऊर्जो व्रत भी कहा गया है। और कृष्ण भक्ति में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जहां रूप गोस्वामी ने भक्ति सामृत सिंधु में 64 अंग का वर्णन किया, उनमें से एक अंग है ये ऊर्जो व्रत, माने कार्तिक व्रत। इस एक महीने तक एक व्रत धारण करना चाहिए, और वहां पर लिखा गया यदि कोई व्यक्ति इस कार्तिक व्रत का पालन करता है तो उस व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और इसी दामोदर अष्टकम के अंत में भी कहा गया, नमो राधिकाये तो दिय प्रियाये। यदि कोई व्यक्ति इस दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए कार्तिक व्रत का पालन करता है तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के जितने प्रिय हैं उतने ही हमारे प्रिय हो जाएंगे।
तो भक्तों ये बहुत सुंदर कार्तिक व्रत आज से कार्तिक महीना या पूनम से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, इसलिए संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। हम सबको इस व्रत का पालन करना चाहिए। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में बहुत सुंदर इस व्रत के विषय में बताया है कि एक महीने तक इस व्रत का पालन करना होता है। यदि आज एकादशी से शुरू करें तो एकादशी को खत्म करें, और पूनम से शुरू करें तो पूनम में अंत करें। एक महीने तक व्रत, इस एक महीने के दौरान क्या करना है तो कहते हैं सुबह 3:30 या 4 बजे के बीच में जग जाना है। तो 90% तो लोगों ने मांडी वाली हुए कि आपड़ा काम नु नथी, आपड़ा काम नो माल नथी। कम से कम सुन कर तो रखे ताकि भविष्य में कभी करना हो तो, और यदि करे तो बहुत सुंदर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मंगला आरती, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, और तत्पश्चात शुद्ध गाय के घी में या तिल के तल ना तेल में या तिल के तेल में जो घी बनाया गया, जो दिया बनाया गया है, उस दिए को लेकर इस दामोदर अष्टकम को गाते हुए भगवान दामोदर को दीप अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और ये दीप भगवान दामोदर को कैसे अर्पण करें, सर्वप्रथम वह दीप भगवान दामोदर के चरणों में, फिर भगवान के घुटन में 3 बार, फिर भगवान की नाभि में, भगवान के मुखमंडल में, समय हो तो आँखों में, नासिका में, कान में, पूरे भगवान के स्वरूप में 3 बार, यशोदा दामोदर को 3 बार, ऐसे प्रत्येक अंग का ध्यान और दर्शन करते हुए भगवान को दीप अर्पण करें। और भक्तों वास्तव में हम दिवाली दिवाली कहते हैं ना, यही है वास्तविक दिवाली। भगवान दामोदर को दीप अर्पण करना, यही है सही दिवाली। केवल 2-5 फटाकड़ा फोड़ देने से या सुतली बम फोड़ देने से दिवाली नहीं हो जाती है, उससे तो अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। भगवान को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं, दिवाली मनाना चाहते हैं, तो मनाइए भगवान दामोदर को दीप अर्पण करके। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना, मंगला आरती, भगवान के 16 माला का जाप करना, और फिर सुबह और शाम 2 टाइम भगवान को दीप अर्पण करना। देखो दालदा घी में नहीं होना चाहिए, सनातन गोस्वामी ने लिखा है शुद्ध गाय का घी है। हम लोग उत्तमानी वांसांसी भागवत में एक शब्द आया है कि भगवान को उत्तम वस्तु ही देनी चाहिए, और एक सिद्धांत भी है यदि हम भगवान को उत्तम वस्तु देते हैं तो भगवान हमें भी उत्तम वस्तु देंगे, निश्चित। तो उत्तम वस्तु शुद्ध घी या तिल के तेल में डाला हुआ घी भगवान को अर्पण करें। और सनातन गोस्वामी ने यह भी लिखा है कि भगवान दामोदर को दीप अर्पण करने के बाद वह दीपक जो है, वह दिया जो है, तुलसी के चरणों में रखना चाहिए, ऐसा श्लोक में लिखा गया है। तत्पश्चात इसके साथ क्या करना चाहिए, कहते हैं कुछ चीजें ऐसी है जो करनी है, कुछ वर्जित है। वर्जित क्या है, बोले बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, बासी अन्न नहीं खाना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए इस महीने में, और इस महीने में दूसरों की शैया के ऊपर नहीं सोना चाहिए। ये व्रत के नियम है, हमारी शैया के ऊपर ही शयन करना चाहिए, और इस एक महीने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, और विशेष ब्रज वृंदावन धाम में वास करना चाहिए। कार्तिक महीने में वृंदावन वास करने की अत्यंत महिमा है। तो एक महीने तक जब लगातार ये करेंगे तब जाकर हमारा व्रत पूर्ण होता है, और सनातन गोस्वामी विश्वास देते हैं यदि ये व्रत किसी ने किया तो उसे कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान की ये दामोदर लीला रचित ये भजन, उसका प्रथम श्लोक प्रथम पद नमामि ईश्वरम, सर्वप्रथम सत्यव्रत मुनि एक मंगलाचरण करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं किसको, तो कहते ईश्वरम, साक्षात भगवान को। सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहां पर आपको लग सकता है यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया, लेकिन भक्तों सत्य कहे तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, और यह देखकर लग सकता है कि यह तो साधारण एक लड़का है,
लेकिन सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमामि ईश्वरम, लीला में भले साधारण लड़का लगता है लेकिन ये है भगवान। तो नमामि ईश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूं जो साक्षात सच्चित आनंद स्वरूप है, जो सत चित और आनंद से बने हैं। और ऐसे सच्चित आनंद स्वरूप साक्षात भगवान कृष्ण आज गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं, और गोकुल की गलियों में भागते हुए इतने सुंदर लग रहे हैं, कहते हैं लसत कुंडलम, उनके कानों में जो कुंडल है लसत हिल रहा है। भगवान का स्वरूप ही सुंदर है, और भगवान जब ये आभूषण पहनते हैं तो और सुंदर लगते हैं, और कानों में रहने वाला आभूषण जब वह कुंडल हिलता है तब तो भगवान की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम, गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं, लेकिन गोकुल की गलियों में भागते भागते यशोदा को कृष्ण ने बहुत भगाया, और भगवान कृष्ण और यशोदा के पीछे में एक फुट का ही अंतर रहता था। यशोदा पीछे पीछे भागती थी, अब हाथ में आ गया, अब आ गया, लेकिन कृष्ण हाथ में नहीं आते थे। परंतु कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा बहुत प्रयास कर रही है, बहुत परिश्रम कर रही है, तो मैया यशोदा के प्रयास को देखकर दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित सुवंदने, अपनी माँ अपने भक्त के परिश्रम को देखकर प्रयास को देखकर भगवान श्री कृष्ण यशोदा के हाथ में आ गए। सत्यव्रत मुनि कहते हैं यशोदा भियो लुख लाद लादव मानम, कृष्ण के यशोदा के भय से भगवान श्री कृष्ण उखल से कूद गए थे और भाग रहे थे, लेकिन परामृष्ट कृष्ण से तेज गति से भागकर यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। परामृष्ट अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, उस गोपिका ने उस यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। अब कृष्ण को पकड़कर यशोदा मैया कृष्ण को दंड देना चाहती हैं कि कृष्ण तूने बहुत गलत काम किया है, मटका फोड़ दिया और तू ब्रज में चोरी करता है, आज मैं तुझे दंड देकर रहूंगी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वह छड़ी देकर कृष्ण डर गए। अब जो भगवान श्री कृष्ण नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप को फाड़ दिए, परशुराम अवतार धारण करके 21 बार नक्षत्र किए, लेकिन वही कृष्ण यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर रोने लगे। रुदंत मुहुर नेत्र युग्मं भ्रुजन्तं करांभुज युग्मेन सातंक नेत्रम्। श्वासकं पात्री रेखाक कंठ स्थित ग्रेव दामो दरं भक्ति बदं। यशोदा के हाथ में छड़ी देकर के कि यशोदा अब मुझे मारेगी, मुझे मारेगी, भगवान श्री कृष्ण तुरंत रोने लगे। रुदंतम रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, और युग्मम दोनों नेत्र को भगवान श्री कृष्ण मृजंतम मसल रहे हैं, और अपने नेत्र को मसलते हुए कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, जब भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया और रो रहे थे, और रोते रोते जब अपने नेत्रों को मसल रहे थे तो कृष्ण के आंखों का काजल निकल रहा था। अद्भुत भगवान की यह छवि, और इतना रोना आया, इतना रोना आया, मुंह श्वास कंप। जब बालक रोता है, जरे कोई बालक वधारे रड़े त्यारे श्वास चढ़ी जाए, है ना, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्वास, भगवान श्री कृष्ण का सांस ऊपर की ओर चढ़ रहा है, तो मुंह श्वास कंप, भगवान इतने रो रहे हैं कि उनके सांस चढ़ रहे हैं। और रोते हुए भगवान भक्तों को कितना सुंदर लग रहे हैं, कहते हैं त्रिरेखा कंठ। उस समय कृष्ण के गले में तीन रेखा है, जिसे शंख के ऊपर रेखा होती है, तो वह रेखा बहुत सुंदर लग रही है। और उस समय यशोदा मैया कृष्ण को रोता हुआ देखकर
बोले बालक डर रहा है, कृष्ण ने यशोदा मैया ने अपने हाथों से छड़ी को फेंक दिया और यशोदा मैया कहने लगी, कृष्ण आज मैं तुझे दंड देकर ही रहूंगी, और अपराधी तू अकेला नहीं, ये उखल भी अपराधी है क्योंकि मटका फोड़ने में ये तुझे मदद करता है, तो इसके ऊपर चढ़कर ही माखन की चोरी करता है ना, तुम दोनों को दंड दूंगी। उखल को लाई, कृष्ण को घसीट कर लेकर गई और यशोदा मैया रस्सी से उस कृष्ण को उखल के साथ बांधने लगी। परंतु जगत विदित आप सब जानते हैं कि जैसे ही कृष्ण को उखल के साथ बांधने गई, दो उंगली रस्सी कम पड़ने लगी, वो गांठ नहीं लगती थी। तब यशोदा ने गोपियों को कहा, जाओ हमारे घर पर जितनी भी रस्सी है लेकर आओ। गोपियां रस्सी लेकर आई, रस्सी को ज्वाइंट किया और फिर से जब रस्सी बांधने गई तो फिर से दो उंगली कम। मानो लगता था भगवान श्री कृष्ण इस रस्सी को अपने पेट में समाते जा रहे हैं। यशोदा ने कहा, गोकुल में दुकानों में जितनी भी रस्सी लेकर आओ, आज मैं कृष्ण को दंड देकर रहूंगी। गोकुल की सारी रस्सी लाई गई, कृष्ण को बांधने का प्रयास, परंतु दो दो उंगली कम पड़ने लगी। सनातन गोस्वामी ने लिख दिया, भगवान को बांधने के लिए निश्चित दो चीज कम पड़ती है। यशोदा बहुत प्रयास कर रही है कृष्ण को बांधने का, और हम भी हमारे जीवन में बहुत प्रयास करते हैं कृष्ण को प्राप्त करने का, लेकिन हमारे और कृष्ण के बीच में दो उंगली की कमी है, और जब तक ये दो उंगली पूरी नहीं होगी तब तक कृष्ण हमारे वश में नहीं होंगे। और वो दो उंगली क्या है, तब सनातन गोस्वामी कहते हैं, एक उंगली भगवान की कृपा और दूसरी उंगली हमारा प्रयास। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी और हमारा प्रयास नहीं होगा, ये दो उंगली का अंतर जब तक कम नहीं होगा तब तक भगवान हमारे वश में नहीं होंगे। भगवान की कृपा, बिना भगवान की कृपा के भगवान बनते नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इत सोला माला करेंगे तो कृष्ण को बस हमारे पास आना ही पड़ेगा, कभी नहीं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं कि जो जो चीज करके हम भगवान मजबूर हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए, कभी नहीं। हाँ एक चीज है कि हम प्रयास कर सकते हैं और हमारे प्रयास से भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाए, भगवान का हृदय पिघल जाए कि मेरा भक्त बहुत प्रयास कर रहा है, अब मुझे उन पर कृपा करनी चाहिए, तो हमारे प्रयास को देखकर भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न होगी, कृपा उत्पन्न होगी। तो हमारे प्रयास और भगवान की कृपा, जब ये दोनों चीज होगी तब जाकर भगवान हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत प्राप्त होता है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं, तुम्हारा तो नसीब माँ भक्ति लखी से, हमारा नसीब माँ तो बस आशोटिंग धंधो लिखियो से। ऐसे बोलने वाले सबसे बड़े मूर्ख हैं या आलसी हैं। जो लोग भक्ति करना नहीं चाहते वही ऐसा बोलते हैं, क्योंकि भक्तों इस संसार में धन संपत्ति नौकर चाकर ये सब कुछ प्रयास से मिलता है, ये सब कुछ नसीब से मिलता है, कर्म से मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति जो है ना वो प्रयास से मिलती है। ऐसा नहीं है हमारे भाग्य में लिखा है तो ही हम भक्ति कर पाएंगे, कभी नहीं। आप विचार कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, उस अमेरिका में रहने वाले हिप्पी और ये अमेरिका के पापी लोग का क्या नसीब था, क्या कर्म था। स्वाभाविक आप समझ सकते हैं कि जो लोग एक दिन में मांसाहार करते हैं, परस्त्री संग करते हैं, कई शराब पीते हैं, ऐसे लोग का वर्तमान भी बिगड़ा हुआ है और पूर्व जन्म भी उनका बिगड़ा हुआ है। पूर्व जन्म भी अच्छा नहीं है, वर्तमान भी अच्छा नहीं है, कोई नसीब कर्म कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उन लोगों के द्वारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, भगवत कथा, हरिनाम संकीर्तन, रथ यात्रा करवाई, और उस प्रयास के द्वारा वे लोग हमसे भी बड़े बड़े भक्त बन गए, यहां तक सन्यासी बन गए, और सन्यासी बनकर भारत वालों को दीक्षा देने लगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ने प्रयास किया और हम लोग नसीब मान नहीं, हमारे तो तुम्हारे नसीब मां तो भक्ति से, हमारे नसीब मान नहीं, हम लोग बस भक्ति को नसीब के ऊपर छोड़ने लगे, कभी नहीं। भक्ति को नसीब के ऊपर नहीं छोड़ना है, भक्ति को करना है। भक्ति तो जितनी करोगे उतनी होगी, तो भक्तों प्रयास होना चाहिए।
बिना प्रयास के भगवान नहीं मिलते हैं। हम लोग साधारण धन और हीरा प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास, ट्रेन पकड़कर मेहनत तपस्या परिश्रम करके तब जाकर संसार का साधारण धन प्राप्त होता है। तो कृष्ण रूपी वास्तविक धन को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास की आवश्यकता नहीं? प्रयास करना चाहिए। यशोदा मैया ने परिश्रम किया, प्रयास किया, और यशोदा मैया के प्रयास से भगवान कृष्ण के हृदय में कृपा उत्पन्न हुई। और ये दो उंगली, प्रयास और कृपा, जब समाप्त हुई तब जाकर यशोदा के हाथों में भगवान श्री कृष्ण बंध गए और आपके सामने है, यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। जब यशोदा को कृष्ण ने बांध दिया तब इस समय दाऊ जी घर पर नहीं थे, हैं? ये जब लीला हुई, क्योंकि उस समय दाऊजी और रोहिणी जी और कुंती देवी, ये तीनों यहाँ पर साथ में ही रहते थे, लेकिन ये तीनों उस समय गए थे किसी के घर पर भोजन करने के लिए। इसलिए दाऊजी यदि होते तो कृष्ण को कोई बांध ही नहीं सकता था, क्योंकि दाऊजी भगवान के बड़े भाई हैं, कृष्ण को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। कहीं किसी के घर पर भोजन करने गए थे तो वहां पर किसी ने खबर दिया कि आपके छोटे भाई कृष्ण को किसी ने बांध दिया। अब उड़ती उड़ती खबर आई, लेकिन पूरी खबर नहीं आई, किसने बांधा, कब बांधा, बस इतना खबर मिला कि किसने बांध दिया। दाऊजी अनंत शेष के अवतार, पूर्व जन्म के लक्ष्मण, और इस जन्म में दाऊजी क्रोधित हो गए, बोले मेरे भाई को बांधा, जिस किसी ने मेरे भाई को बांधा है उस व्यक्ति के जीवन का आज अंतिम दिन, आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं उसे मार डालूंगा। इतना क्रोध करते हुए बोलते हुए दाऊजी घर पर आए और घर पर आकर देखा तो यशोदा मैया ने बांधा है। इतना पता चलते ही सारी हवा निकल गई, बोले मैया ने बांधा है तब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो डेयरिंग था, इसलिए दाऊजी सीधे मैया के पास गए। और दाऊजी तो दाऊजी हैं, आखिर बड़े हैं, बड़े भाई हैं, भाई लोग हैं, सीधे मैया के पास गए, बोले मैया आप इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ू मैया, मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, ज्यादा मगजमारी मत करो, आप कृष्ण को छोड़ दो। मैंने कहा क्यों छोड़ू बोले देखो तुम जानती नहीं ये कौन है, ये आप लोग इसको छोटा छोटा बच्चा मानते हो, लेकिन मैं जानता हूं ये कौन है। मैया ने कहा कि ये कृष्ण है, मेरा लड़का है, अभी चोरी किया, मटका फोड़ा, बांध दिया, तुझे कुछ ज्यादा पता है तो बता। बोले मैया सत्य कहूं, ये साक्षात भगवान है, ये विष्णु है, विष्णु। और मैया इसी ने नरसिंह अवतार धारण किया, हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, परशुराम अवतार धारण किया, 21 बार क्षत्रियों का विध्वंस किया, और इसी ने वामन अवतार धारण करके दो कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। मैया ये साधारण बालक नहीं, तूने विष्णु को बांधा है। अच्छा ये विष्णु है, रो रहा है और बंधा हुआ है। अच्छा ये विष्णु है तो तू कौन है? बोले मैया मैं संकर्षण अनंत फेर है, और मेरे मस्तक के ऊपर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड खड़े हैं, यदि मैं मेरा मस्तक हिलाऊं तो ब्रह्मांड गिर जाए। मैया ने छड़ी हाथ में ली और डांटते हुए कहने लगी ये सारे अवतार मेरे ही घर में होने वाले थे, भाग नहीं तो तुझे भी, यदि कृष्ण के साथ तुझे भी बांध दूंगी। तो उस समय दाऊ जी बेचारे यशोदा मैया से भयभीत होकर वहां से भाग गए, भागो यहां से। पर आपड़े कोक बीमार हो तो खबर काढ़वा जाए ने, दाऊ जी कृष्ण की खबर काटने गए। कृष्ण बंधे हुए थे, और जैसे ही दाऊ जी आए, बड़े भाई आए, बलराम जी को देखकर कृष्ण रोने लगे। बलराम जी गए, कृष्ण ने कहा भैया जमानत देकर छुड़ा दो ना। तो दाऊ जी ने कहा देखो यदि किसी और ने बांधा होता तो देरी नहीं लगती, तुझे कोई बांधने का प्रयास ही न करता, लेकिन मैया ने बांधा है, क्या करूं। और मैंने तुझे पहले ही कहा था चोरी मत करना, अब चोरी की है फल भोग तो और क्या है। कृष्ण रोने लगे और कृष्ण को रोते देखकर दाऊ जी भी रोने लगे। कृष्ण बलराम आज दोनों रो रहे हैं, और यही है हमारे भगवान
और इनकी मधुर लीला, वो तो यही है ब्रज का माधुर्य। इस मधुरता को देने के लिए भगवान अपने धाम को छोड़कर पृथ्वी पर, भगवान चाहते हैं कि लोग मात्र मुझे ऐश्वर्यशाली भगवान न समझे। ओम जय जगदीश, रे भगवान तो बड़े हैं विशाल, नहीं, संसार के लोग मुझे पुत्र माने, मुझे साधारण बालक समझे, ये चाहते हैं। तो भक्तों इस प्रकार से कृष्ण बंध गए, और बंधे हुए कृष्ण भक्तों को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए भक्त लोग ऐसे भगवान दामोदर की उपासना करते हैं। भगवान का नाम ही हो गया दामोदर, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। जिस भगवान के उदर पेट के ऊपर रस्सी बंधी है उसे दामोदर कहा जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं और समय भी हो चुका है, परंतु अंत में सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप समस्त प्रकार के वरदान देने में समर्थ हो। इस भजन में एक पद में कहा है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम वा, आप तो मोक्ष देने में, आप वरदान देने में श्रेष्ठ हो, तो यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो न तो मुझे संसार की कोई संपत्ति चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, यहां तक कि मोक्ष की अवधि, मोक्ष की सीमा, मुझे सायुज्य सामीप्य साष्टी, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। अच्छा, तब भगवान अपने भक्तों को कहते, तुम्हें नहीं चाहिए ये सब, तो क्या चाहिए? तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं, इदम ते वपुर्नार्थ, हे प्रभु, आपका ये जो वपु है, आपका ये जो शरीर है, बस इदम ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम, ये बाल गोपाल का आपका ये जो स्वरूप है ना, आप उखल के साथ बंधे हो और आप रो रहे हो, ये बाल गोपाल का स्वरूप सदा सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, ऐसा आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूँ। अन्य और मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी और वस्तु की कामना नहीं है, बस आपका ये स्वरूप सदा सदा के लिए मन में बसा रहे, ऐसे आशीर्वाद दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि ने भगवान को बहुत सुंदर स्तुति की है। इस स्तुति के द्वारा हम सबको इस महीने में सुबह शाम दो बार भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। स्तुति याद न हो तो महामंत्र के साथ दीप अर्पण करना चाहिए। तो आज हम सब लोग भगवान दामोदर को दीप अर्पण करेंगे और तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाएंगे, लेकिन इसके पहले दो मिनट की अनाउंसमेंट, तत्पश्चात दीपदान और फिर प्रसाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। भक्तों आज हमारे इस वर्ष का अंतिम प्रोग्राम है, और अब दिवाली के बाद ही हमारा नया प्रोग्राम शुरू होगा। तो इस वर्ष में इस प्रोग्राम को चलाने के लिए अनेक भक्तों ने अपना सहयोग, अपना तन मन धन से मेहनत की है, प्रयास किया है। तो मैं आभारी हूँ उन सभी भक्तों का जो यहाँ पंचरत्न जैसे इस डायमंड के मेन मार्केट में, इस टाउन में भगवत कथा का आयोजन किए। उन सभी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम घन सुंदर प्रभु जो अपनी उपस्थिति से इस प्रोग्राम को बहुत सुंदर बना रहे हैं, साथ ही साथ केवल अपनी उपस्थिति नहीं, अपनी वाणी से यहाँ पर लोगों को कृतार्थ करते हैं, और इतना ही नहीं, इस प्रोग्राम को चलाने के लिए वे अनेक प्रकार की धन राशि भी प्रदान करते हैं। तो मैं आभारी हूँ घन सुंदर प्रभु, साथ ही साथ मैं आभारी हूँ परम प्रकाश प्रभु, हमारे मित्र समान हैं परंतु वास्तव में मित्रता निभा रहे हैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। कभी भी पैसे की ज़रूरत हो, कुछ सेवा की ज़रूरत हो तो वे खड़े रहते हैं। और साथ ही साथ योग गम्य प्रभु को हम हनुमान जी कहते हैं। लंका में गए भगवान राम और संजीवनी बूटी लानी थी, अन्य कोई नहीं ला पाया तो हनुमान जी लेकर आ गए। तो अन्य कोई कार्य कोई नहीं कर सकता है तो योगगम्य प्रभु तैयार होते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे जीवराज प्रभु भी, जीवराज काका जो मलाड़ में है, वे भी बहुत सुंदर निस्वार्थ भाव से इस प्रोग्राम को चलाते हैं और भी कथाओं में आते हैं, सेवा करते हैं। साथ ही साथ गोविंद भाई केरिया आज शायद नहीं आए हैं, मैं गोविंद भाई का भी धन्यवाद करूंगा। मनसुख भाई क्रिनल, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मनसुख भाई के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, शुद्ध भक्ति प्रदान करें,
मनसुख भाई ने भी इस साल बहुत सुंदर सहयोग दिया इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, साथ ही साथ दीपक भाई घुगारी, इनको भी धन्यवाद, हसमुख भाई रामपर, राधे राधे सेवा समिति, और विशेष धन्यवाद के पात्र तो हमारे चिरा बाजार के भक्त हैं। वास्तव में ये प्रोग्राम पहले चिरा बाजार में होता था गुरुवार को, लेकिन फिर यहाँ पर हो गया क्योंकि चिरा बाजार वाले बहुत सुंदर भाव से बड़े प्रेम से प्रसाद बनाकर लाते हैं और बहुत सुंदर दिव्य प्रसाद हम उसको ग्रहण करते हैं। तो दीनमणि प्रभु और चिरा बाजार के जितने भी भक्त हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ आशुतोष प्रभु जो यहाँ पर बहुत प्रकार की सेवा करते हैं, लाभू भाई आमला, धवल डोंडा जो बहुत सुंदर तबला बजाकर इस कथा को संगीतमय बनाते हैं। हम रसिक प्रभु के भी आभारी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, साथ ही साथ धर्मात्मा प्रभु का भी धन्यवाद, और हमारे भगवत प्रसाद प्रभु बहुत सुंदर वाणी से अपने मधुर कंठ से भक्तों को यहाँ पर बनाए रखते हैं और भगवान के नाम का संकीर्तन सुनाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे श्रीनाथ जी प्रभु, नथु प्रभु जो उत्साह से यहाँ पर कीर्तन करते हैं, और हम आप सब के आभारी हैं, सबका कुछ ना कुछ सहयोग है से ही ये कार्यक्रम सफल होता है। परंतु हम सबसे ज़्यादा एक और हम सबकी मेहनत और एक और एक व्यक्ति की मेहनत, वह हमारे अमी अनिमाई प्रभु, अमी डोंडा प्रभु। जैसे हमारे घर पर कोई उत्सव होता है, विवाह होता है, और जितनी तैयारी हम करते हैं उतने ही लगन से उतने ही परिश्रम से इस प्रोग्राम को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। हमने देखा है कई बार माइनस में ये प्रोग्राम चलता है तो अपने अपनी ओर से वह सहयोग करते हैं और इसको अपने जीवन का हिस्सा माने हैं। तो इस प्रकार से अमीय निमाय प्रभु को भी भगवान शक्ति दे और इस प्रोग्राम को बरकरार रखे, चलाए रखे, ये प्रोग्राम बढ़ता रहे, इनकी संख्या बढ़ती रहे। और आने वाले साल हम जब अब दिवाली के हिसाब चल रहे होंगे सबके, तो हिसाब करने में क्या होता है, एक साल क्या किया उसका हिसाब, और अगले साल क्या करेंगे, है ना। तो इस साल हमने कितनी भक्ति में प्रगति की हम सबको हिसाब जोड़ना चाहिए। और अगले साल हम यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ाएंगे, अगले साल हम यहाँ पर प्योरिटी बढ़ाएंगे। अब ये अगले साल प्रचार ज़्यादा नहीं करना है, जो लोग यहाँ पर हैं उन भक्तों का पोषण कैसे हो, सब लोग 16 माला कैसे करें, ये सब इसी प्रकार के प्रवचन, इसी प्रकार का आयोजन हम प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है इस प्रोग्राम में जुड़कर रहिए, और जो लोग इस प्रोग्राम को चलाने में अपनी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उन सभी को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ साथ अब एक डेढ़ महीने का हमारा विरह है, अब एक डेढ़ महीने के बाद ही हम मिलेंगे। तो कुछ लोग अपने अपने गाँव में जाएंगे, तो कुछ लोग कहीं पिकनिक के लिए जाएंगे, कुछ लोग हमारे साथ यात्रा में आ रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पूर्ण रूप से सेफ हैं। लेकिन जो पिकनिक जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, उन भक्तों से निवेदन करते हैं कि जब तक हम भक्तों के संग में रहते हैं तो न चाहते हुए भी भक्ति हो जाती है ना, कांदा आलू सोन इत्यादि से बच जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती, क्योंकि अज्ञान से गाँव में जहाँ पर अज्ञान होता है वो लोग सोचते हैं कि अतिथि का सत्कार हम चाय पिला कर करेंगे। अतिथि का सत्कार कैसे करना, आप कभी गांव में पान ना गले उभारियो यार, 135 माओ ले लेने, अड़ दो तू अड़ दो, उनके हृदय में शुद्ध भावना है, ये मत समझो कि गलत भावना है, शुद्ध भावना है। वो सोचते हैं कि आधा मैं खाऊं आधा ये खाए, लेकिन अज्ञान के कारण ये समझ नहीं पा रहे, इससे हमारा भी नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है। तो वक्त आप सब बुद्धिमान हो, प्रभुपाद जी की कृपा से जो चीज़ हमको गाँव में नहीं मिली, एक बार गरुड़दास प्रभु बहुत सुंदर अनुमोदन कर रहे थे, गरुड़दास प्रभु बता रहे थे कि मैं गांव से यहाँ मुंबई आया आज से 25-30 वर्ष पहले पैसे कमाने के लिए, हीरे कमाने के लिए, लेकिन इस शहर में आया, पैसा धन संपत्ति मिली, लेकिन मुझे सच्चा हीरा यदि कोई मिला तो वह इस्कॉन और भगवान की भक्ति।
हम सब लोग गांव से यहां पर आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि पैसे और धन कमाने के लिए। परंतु धन्य है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा कि इस इस्कॉन के द्वारा ये डायमंड, हीरे, मोती, पैसे तो मिले, लेकिन उससे भी सबसे बड़ी वस्तु हमको यहाँ प्राप्त हुई, वो है भगवान की भक्ति। तो भक्तों, प्रभुपाद जी की कृपा से जो भक्ति मिली है उसे संभाल कर रखिए, ध्यान रखें, और पुनः हम एक डेढ़ महीने के बाद, आपको डेट बताई जाएगी, हम यहाँ पर वापस मिलेंगे और पुनः इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबके चरणों में प्रणाम, और अंत में एक आप सबके भक्तों के चरणों में निवेदन कि इस गत वर्ष में यदि प्रवचन में कुछ बोलने में कठोर शब्द निकल गए हो, कुछ गलती हो गई हो, व्याख्या में कुछ कमी रह गई हो, तो आप दास समझकर क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद बनाए रखें कि ज़्यादा तो नहीं, परंतु कम से कम आप लोग जितनी भक्ति करते हो, आपके हृदय में जो भाव है उतना भाव मेरे में आ जाए, भगवान से प्रेम करने लगूं, इस आशा से मेरी वाणी को विराम करता हूं। आप कृपा दृष्टि बनाए रखें और मुझ दास के ऊपर आशीर्वाद रखें कि भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे।